मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी या नहीं। और देखिए बिल्कुल अगल बगल है, एक तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट और एक छोटी सी सड़क पार के वही पार करके वही आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी है जहां ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन संजय सीबीआई की दलील क्या है, क्योंकि सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी। इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि आखिर अब रिमांड क्यों चाहिए, जब इतने समय से जांच चल रही थी, अब सबूत मिटाने की बात थोड़ी आएगी। तो किस आधार पर सीबीआई 5 दिन की रिमांड मांग रही है? गौरव, मुझे याद है कि हम दोनों ने क्राइम रिपोर्टिंग एक साथ शुरू की थी और कई बार हम दोनों साथ साथ अदालत गए। तो अब सबूत मिटाने की बात नहीं, अब तो रिमांड इस बात पर ली जा रही है कि जो सबूत हैं उनकी कड़ियां कैसे जोड़ी जाएं। इसमें बाकी जो आरोपी हैं उनके साथ मनीष सिसोदिया का कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा, क्योंकि जांच में उन्होंने मनीष सिसोदिया के बारे में जो बातें बताई हैं, जो ये बताया है कि सरकार के दो बड़े मंत्री जिसे मनीष सिसोदिया तो हैं, और ये कहा जा रहा है, सूत्र ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का भी नाम ले रहे हैं, कि मुख्यमंत्री ने मौखिक रूप से कुछ चीजें कही थी। मौखिक रूप से था, लिखित रूप से क्या था, कड़ियां जोड़ने में मनीष सिसोदिया की जरूरत पड़ेगी, तस्दीक करने में, पूर्वासाखी कराने में, चीजों को आमने सामने कन्फ्रंटेशन यानी आमना सामना कराकर पूछताछ करने में, उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। लिहाजा सीबीआई का कहना है कि अभी 8 घंटे की पूछताछ में इन्होंने हमारे सीधे सवालों के घुमा फिरा कर जवाब दिए, गोलमोल जवाब दिए, और उसके सही जवाब नहीं दिए, अधिकतर जवाबों में उन्होंने टालमटोल करने वाले जवाब दिए। लिहाजा इनके जवाब को दुरुस्त करने के लिए बाकी आरोपियों के साथ इनका मिलाना, आमना सामना कराना जरूरी है, ताकि जब वो कहें कि आपको याद है उस समय हमारी बात हुई थी, आपने ऐसा कहा था, तो उस समय मनीष सिसोदिया क्या जवाब देते हैं। इनके कंप्यूटर से जो चीजें मिली हैं उसकी तस्दीक यही कर सकते हैं कि हाँ ये चीज कब आई थी और कब यहाँ पर पड़ी है। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जांच में जिसमें कहीं दूसरे शहर भी जाना पड़ सकता है, दूसरे शहर के लोगों को यहाँ बुलाना पड़ सकता है, उन जगहों पर जाना हो सकता है जहां के बारे में बताई गई है चीजें। तो ऐसे में सीबीआई का ये कहना है कि उनको सीबीआई कस्टडी लेने की जरूरत है। 5 दिनों का उन्होंने पूरा खाका भी कोर्ट को बता दिया है कि 5 दिनों में वो कब कब क्या क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, और उनकी तरफ से तीसरे वकील सिद्धार्थ अग्रवाल अभी दलीलें दे रहे हैं, और उनका ये कहना है कि मैं जनसेवक हूं और मैं सरकार का मंत्री हूं, और ऐसे में एक्सट्रीमली सेंसिटिव विभाग है जिसका मैं मंत्री हूं, वित्त विभाग और गृह और बाकी अन्य विभाग। तो उनका ये कहना है कि मैं बहुत सारी चीजें गोपनीयता की वजह से सीबीआई को नहीं बता सकता हूं, लेकिन जितना मैं बता चुका हूं उतना मैंने बताया है, लेकिन सीबीआई मेरे से वही जानना चाहती है जो उसे सुनना है। तो लेकिन वो चीजें उनकी ठकुर सुहाती हम नहीं कर सकते, जो चीजें हैं जवाब हैं वो जवाब हमने दे दिए हैं, लेकिन फिर भी सीबीआई कह रही है कि गिरफ्तार करना है। और जो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई और पंकज से इसका उत्तर लेते हैं, किया गया है जो अपने आप में एक बड़ी बात है। जी रहिए मेरे साथ पंकज। दो यहां बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक, सीबीआई ये कह रही है कि ये केवल मनीष सिसोदिया नहीं, मनीष सिसोदिया के साथ कोई और भी था। आप आम आदमी पार्टी से लगातार संपर्क में है, क्या ये अंदेशा है कि और मंत्रियों पर, और न केवल और मंत्रियों पर, मुख्यमंत्री तक इसकी गाज या आंच आ सकती है, पहली बात। और दूसरी बात, इतने मंत्रालय संभाल रहे हैं मनीष सिसोदिया, अब अगर उनको हिरासत में लिया जाता है तो आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है, वो मंत्रालय क्या किसी और को दिए जाएंगे, और क्या इसके लिए इनको हटाया जाएगा? सत्येंद्र जैन को नहीं हटाया गया। देखिए यही बड़ी बात है, इसमें एक बात स्पष्ट है कि सत्येंद्र जैन के मामले में भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अपना रुख स्पष्ट किया था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और इसीलिए वो मंत्रियों की लिस्ट में शामिल थे, हालांकि उन्हें कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया था। गौरव, दूसरी बड़ी बात यह भी है कि मनीष सिसोदिया के पास फिलहाल 18 विभाग थे, और उनमें से सबसे अहम विभाग शिक्षा विभाग है, वित्त विभाग है, दिल्ली में जितने भी विकास कार्य होते हैं उससे जुड़ा हुआ यूडी विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, ये तमाम ऐसे विभाग है जो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको हम बता दें कि मार्च के महीने में गौरव दूसरे या तीसरे हफ्ते में बजट भी पेश होना था, तो ऐसे में पिछले हफ्ते जो छूट ली थी मनीष सिसोदिया ने वो बजट को फाइनल करने के लिहाज से ही ली थी, और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि आखिर वो बजट कौन पेश करेगा, उसकी भूमिका क्या होगी, उस बजट को किस तरीके से नया रूप दिया जाएगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं तमाम बैठकों को अंजाम देते थे और अधिकारियों के साथ बैठकर इस बजट को अंतिम रूप देते थे, लेकिन अब
ये नई चुनौती होगी, लेकिन जल्द ही इसका खुलासा होगा कि नई जिम्मेदारी कौन संभालेगा। साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि यहाँ पे फिलहाल जो नारेबाजी हो रही थी गौरव, तस्वीरें भी आप देखते रहिए, वो नारेबाजी फिलहाल थम गई है, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पे पुलिस की एंट्री हुई, हिरासत में लेने की कोशिश हुई, जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको बताया, और अब यहाँ पे एक बार फिर से विराम लग गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी होगी कि क्या मनीष सिसोदिया को भी कहीं ना कहीं मंत्रियों की लिस्ट में रखा जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी को तो वो जिम्मेदारी संभालनी होगी जो मनीष सिसोदिया के पास थी। ऐसे विभाग जो मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण है, आखिर कौन पेश करेगा, वो विभाग कौन पेश करेगा? दिल्ली का बजट और पीडब्ल्यूडी जैसे मंत्रालय। आम आदमी पार्टी तो ये भी कह रही है कि वो शिक्षा के जनक है, शिक्षा में रिफॉर्म्स के